बार मारे हो फ्रंट? 200 बार मारे है भाई फ्रंट फुट डिफेंस। लाओ ना, चलो अब हो गया, बहुत थक गए हम, चल चले पक्का। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है, और वो क्यों होगा वो आप लोग को आगे पता चल ही जाएगा। खैर, मैं कुछ दिन पहले गया था आई टेस्ट करवाने अपना, क्योंकि मेरा स्पेक्स कुछ दिन से उतरा हुआ है, तो सोचा चलो आई टेस्ट करवा लेते हैं। तो मेरा स्पेक्स अभी रेडी भी हो गया है, तो आज अभी वो लेने चलते हैं, उसके बाद आगे बताऊँगा स्पेशल क्यों है आज ये ब्लॉग। ठीक है, चलो गाइस, हमारा पार्सल भी आ गया, तो मेरे कॉलेज आने की तैयारी हो रही है, तो सामान स्टॉक करना शुरू कर दिया मैंने। बोलते हैं खुल जा भाई। अरे हाय, मजा आ गया, सारे के सारे आ गए, तो इसे ट्राई करेंगे बाद में। ठीक है, चलो फिर अभी तैयार हो। चल बाय आर्यन। तो गाइस, ये है आर्यन का क्रिकेट अकेडमी। तो अभी ग्राउंड बहुत भर है, बट यहाँ पे पानी लगा हुआ है बारिश के कारण, तो अभी इस एरिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो गाइस, आर्यन का आज फर्स्ट डे है अकेडमी में, तो उसको बहुत मन था, बहुत टाइम से बोल रहा था कि उसको अकेडमी ज्वाइन करना है क्रिकेट का, क्योंकि उसका हॉबी है क्रिकेट। मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है उसको क्रिकेट खेलना, इसीलिए। तो कोरोना के कारण तो अभी सब जगह लॉकडाउन हुआ पड़ा था, तो बंद था, इसीलिए उस टाइम नहीं कर पा पाए इसका एडमिशन, पर फाइनली कल हो गया। तो आज फर्स्ट डे था, तो काफ़ी एक्साइटेड भी है, और अभी गया भी है खेलने। तो अभी उसके अकेडमी के जस्ट बाहर ही वेट कर रहे हैं, तो तब तक उसका हो नहीं जाएगा, एक दो घंटे टाइम लगेगा। मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, ठीक है? चलिए, रुको जरा, सब्र करो। पता है गाइस, अगर कुछ चीज़ अच्छी लगती है ना, तो उसे कर लेना चाहिए, इतना सोचना नहीं चाहिए। जैसे अगर कुछ चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, तो उसे कर लो, ये मत सोचो कि कल करेंगे, परसों करेंगे, या बाद में करेंगे कभी। बस लग जाओ उसमें, लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं, या क्योंकि यार ज़िंदगी छोटी है, उसको अच्छे से जीना है, मतलब खुल के जीना है। बार बार ये मौका मिलता नहीं है, तो जो दिल में आए कर लिया करो, ठीक है? और ये जो क्रिकेट अकेडमी था ना, जिसमें मेरे भाई का भी एडमिशन हुआ है, वो जस्ट मेरे स्कूल के पीछे है, पता है? तो रास्ते में स्कूल भी दिख गया, तो बहुत सारी मेमोरीज भी ताज़ी हो गई। तो स्कूल दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है? तो मतलब मैंने 14 साल अपने पूरे इसी स्कूल में पढ़ा है, ठीक है? ये हमारा सीनियर वाला बिल्डिंग था, बाकी प्राइमरी बिल्डिंग्स तो बाकी स्प्लिट है इधर उधर। तो बाकी इम्पोर्टेंट मेरे इतने लगभग 9 साल मैंने इसी स्कूल में गुजारे हैं, लाइक बहुत सारी मेमोरीज है जो फ्लैशबैक की तरह आ गई है अभी। तो दिखाता हूँ आप लोग को, ये स्कूल था मेरा, ठीक है? अभी गेट तो खुला हुआ है, पता नहीं अंदर जाने मिलेगा कि नहीं, देखते हैं। तो कहीं अंदर आने मिल गए फाइनली, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम स्कूल में हैं अपने, लाइक मैंने यहीं पे पढ़ाई की है गाइस 12th तक। इतनी सारी मेमोरीज एक साथ आने लगती है ना यहाँ पे आने के बाद। सो गाइस, मेरा क्लास वहाँ हुआ करता था, वहाँ पे मेरा हमारा सेक्शन था 11A और 12A, वहीं पे। अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है। मुझे क्या लगता है ना कि एक स्कूल लाइफ ही होता है आपकी लाइफ का शायद सबसे इंपॉर्टेंट फेज, क्योंकि यार ये मेमोरीज कभी जाएगी नहीं आपसे, लाइक ये एक अलग ही फीलिंग होता है। मुझे तो अपना स्कूल लाइफ बहुत एंजॉय किया मैंने। खैर, दुख उन लोगों के लिए होता है जो कोरोना के टाइम 11th 12th अपना नहीं कर पाए थे स्कूल में, तो क्या कर सकते हैं। खैर, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके गाइस। आई होप मेरे कुछ फ्रेंड्स होते अभी साथ में, तो हम लोग थोड़ा और घूम पाते, बट आज तो अकेले आए। खैर, किसी दिन साथ में आएंगे उन लोग के। कल को आप अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए आगे जाओगे, बट जो चीज़ याद रहेगी ना हमेशा, वो ये रहेगा स्कूल, ठीक है? इसीलिए मुझे लगता है यार, जो इसने एंजॉय नहीं किया ना अपने स्कूल लाइफ, गाइस तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया, ठीक है? तो गाइस बाहर आ गए अब, आई होप आप लोग स्कूल देख लियोगे हमारा। नहीं पता है, अभी आर्यन को यहाँ बहुत वक्त लगने वाला है, तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट क्यों करें, वर्कआउट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद या फिर आते हैं इसको पिक करते हैं, तब घर चलेंगे, ठीक है? तो अभी जिम चलते हैं, वर्कआउट कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है?
girls with their nails done long. आज लेग्स का सेशन काफ़ी इंटेंस था, मैं बता नहीं सकता। मेरे पैर अभी हिल रहे हैं ऐसे ज़मीन में, लग रहा है जैसे धरती हिल रहा है। तो मेरी हालत तो देख ही सकते हो। तो आज PR भी हिट किया है स्क्वाट्स में, लास्ट टाइम से ज़्यादा मारा है इस बार। आज 90 kg का स्क्वाट्स किया है। खुशी तो है पर हालत बहुत ख़राब है, गर्मी भी उतनी हो रही है। थोड़ी देर अभी रेस्ट करेंगे फिर घर चलते हैं, ठीक है। चले पक्का? अरे चल ना, हम गाड़ी पे। अच्छा चलो, आप उठता भी है, दिख नहीं रहा है, गजब बेइज्जती है। चलो अरे चल ना, क्या चलो, हटो 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 हटो, चलो कैमरा बंद करो, रात का टाइम है। सर कैसा लगा आपका फर्स्ट डे? ऑटोग्राफ नहीं दीजिएगा? नहीं नहीं नहीं, चलो बैठो ना यार, अब हो गया। थैंक यू बोले उनको, तुम एडमिशन करा दिए तो। 2000 years later। तो आर्यन बहुत खा रहे हो। पता है, अच्छा हुआ जिम जाने से पहले 6-6 केले खा लिया था यार, वरना आज पता चलता जिम में ही खत्म। हम गए। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, आज का ब्लॉग यहीं पेंट करना होगा। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मेरा स्कूल भी अच्छा लगा होगा। और आर्यन के लिए तो आज दिन खास था ही, और मेरे लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा था। तो आई होप सो यू एंजॉय टुडेज ब्लॉग गाइस। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो करते जाना, ठीक है? कर देना सब्सक्राइब, ठोक देना, समझ गए ना? तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना। बाय बाय, पीस।